नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर लेके आए हैं न्यू टिप्स एंड हैक्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आज हम तवे पे बहुत सारी पूरियां बना के दिखाते हैं जो कि एक बार में आप ढेरों पूरियां बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह बना के तैयार करेंगे। आज का टिप्स हमारा पहला, ये देखिए दोस्तों इस तरह बॉक्स से है जो कि हम मिठाई या खाना मंगवाते हैं तो उसमें इस तरह के बॉक्स आते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी हम फेंक भी देते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा हम यूज बताएंगे। ये देखिए इसे फेंकेंगे नहीं, इस तरह ये देख लेंगे। और गर्म चाकू कर लिया हमने, इसमें इस तरह हम छेद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, तो इसी तरह हमें पूरे में करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह कर लिया है। अब इसे हम इसमें लगा देंगे और उसके बाद हमारे जितने भी चम्मच हैं इस तरह हम इसमें ये देखिए लगा के ये यूज में ला सकते हैं। बहुत से चम्मच इसमें आ जाएंगे, लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमारा ये चम्मच स्टैंड ये बन के तैयार हो गया। इस तरह हम बहुत सी इसमें चम्मच लगा सकते हैं, इस तरह यूज कर सकते हैं। अगला टिप्स हमारा इस तरह ये सिंक से है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो इसमें ये कचरा फंस जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक पन्नी लेंगे, इसे हम इस तरह गोल कट कर लेंगे, इसी के नाप से छोटे छोटे इसमें छेद कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने पन्नी ली है, इसे हम गोल इस तरह कट कर लेंगे। ये हमारी इस तरह पन्नी दूध के पैकेट जो आते हैं ये मजबूत रहते हैं, तो इसी को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, देखिए हमने गोल काट लिया है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे, इसमें छोटे छोटे छेद करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह काट लिया। उसके बाद हम इसमें इस तरह ये कोई नुकीली चीज़ लेंगे, इस तरह हम छेद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह पूरे में। तो ये देखिए हमने छेद करके इसमें रख देना है। और जब भी हम बर्तन धुलेंगे ये देखिए इस तरह कुछ भी डालेंगे तो ये इसी में फंस जाएगा। ये देखिए इस तरह जब भी हम धुलेंगे इसमें तो ये अच्छे से इसमें फंस के निकल जाएगा। तो ये देखिए सारा कचरा इसमें ये आ चुका है। तो हम इस तरह ये उठा के इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए सारा कचरा इसमें आ चुका है। तो इससे पन्नी को हम इस तरह सिंक में डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने एक साथ इस तरह ये 6-7 पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं। अब इन्हें हम बताते हैं कि अपन स्टोर करके कैसे रख सकते हैं जो कि आप 4-5 दिन बाद भी इन्हें सेंक के खा सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो ये देखिए हमने तवा रख दिया है, उसके बाद हम ये पूड़ियाँ इसमें डाल देंगे। हल्की हल्की इनको सेंक के तैयार करेंगे दोनों तरफ से, बिल्कुल हल्के हल्के सेंक लेंगे। देखिए इस तरह, इस तरह हमने सेंक के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमें सेकना है दोनों तरफ से हल्की हल्की। ये देखिए इस तरह बिल्कुल हल्के से सेक के रख लेना है। ये देखिए हम दिखाते हैं, ये देखिए सिक चुकी हैं। इसी तरह हम जितनी भी बेल के रखेंगे उस तरह सेक लेंगे। ये देखिए हमने सेक ली हैं। तो उसके बाद हमें कोई भी बॉक्स या कैसरोल लेना है, उसमें ये नैपकिन डाल देना है। ये देखिए इस तरह, इस तरह डाल के हम ये सारी पूड़ियाँ इस तरह रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह रख के और फ्रिज में हम इन्हें अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं बंद करके। ये देखिए इस तरह फ्रिज में रख देंगे, 4-5 दिन बाद भी सेकेंगे तो बहुत अच्छी फूल के ये तैयार होंगी। तो चलिए हम इन्हें दिखाते हैं सेक के। तो चलिए पूड़ियों को सेक के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह हम डालेंगे, तो इस तरह आप सेंक के तवे पे रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं या ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो इसी तरह आप बहुत सी पूड़ियों को
तवे पे सेक के स्टोर करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तो आप उन्हें इस तरह ये देखिए तल के खा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा, आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। देखिए तो हमारी टिप्स अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए इस तरह बहुत ही अच्छे से ये देखिए फूल के तैयार हुए हैं। उसी तरह हम ये सेंक लेंगे, सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से ये फूलेंगी। ये देखिए